इंडिया में फेसबुक और इंस्टाग्राम का सर्वर डाउन होने की वजह से यूजर्स को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। एक घंटे तक कई सारे यूजर्स अपनी फीड को ना तो रिफ्रेश कर पाए और जिन लोगों का अकाउंट लॉगिन था वो ऑटोमेटिक लॉगआउट हो गया। इस तरह के कुछ स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं जिसमें लोग फीड को रिफ्रेश न कर पाने का और बार बार फेसबुक के लॉगिन मांगने की शिकायत को रिपोर्ट कर रहे हैं। करीब एक घंटे तक सोशल मीडिया यूजर्स को इस परेशानी का सामना करना पड़ा। उसके बाद फेसबुक की तरफ से लोगों को इस तरह से व्हाट्सएप और ईमेल पर कोड भेजने की बात की गई लॉगिन करने के लिए, लेकिन कई सारे लोग अब भी इस पर लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि एक घंटे बाद ये सर्विसेज जो है वो वापस से चालू हो गई, लेकिन इंस्टाग्राम पर अब भी लोग रील्स स्क्रॉल नहीं कर पा रहे हैं और उनकी फीड अब भी रिफ्रेश नहीं हो पा रही है। कुछ साइबर एक्सपर्ट्स ने समस्या के पीछे डीडॉस अटैक को बताया है, लेकिन फेसबुक इस पर लगातार काम कर रहा है। इसी पर चुटकी लेते हुए एलन मस्क ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें पता है कि आप सोशल मीडिया को यूज नहीं कर पा रहे हैं जिसमें फेसबुक और इंस्टाग्राम शामिल है, लेकिन आप एक्स को अभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो आपके लिए चालू है, लेकिन फिर भी हम लगातार आपके लिए काम कर रहे हैं। तो उन्होंने एक तरह से फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए चुटकी भी ली है। हालांकि अब फेसबुक और इंस्टाग्राम की सर्विसेज इंडिया में शुरू हो गई है, लेकिन अब भी कई सारे यूजर्स अपना अकाउंट लॉगिन नहीं कर पाए हैं और उनकी फीड भी रिफ्रेश नहीं हो रही है। अगर आपने भी समस्या का सामना किया है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।